हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एस्टी क्रिएटिविटी पे। और आज हम सीखेंगे ब्राइडल लहंगा, जो रेडीमेड लहंगा है उसकी लेंथ कैसे कम की जाए और उसकी कमर है वो परफेक्ट आए। तो हम सबसे पहले इस लहंगे का जो बेल्ट है उसको खोल लिया है, ये देखिए बेल्ट को हमने खोल लिया है। और अब हम इसको नीचे बिछा के इस तरह से सेट कर लेंगे पूरे को, कहीं से भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको बिछा के हमने सेट कर लिया है और हमारा जो बेल्ट है वो है 1.5 इंची का। तो हमारी लेंथ है वो इसमें हमें रखनी है 35.5 इंची। तो 35.5 में से 1.5 इंची हम माइनस कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 34.5 इंची लिया है क्योंकि 1.5 इंच का हमारा बेल्ट आएगा और आधा इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ से 34.5 इंची रखा है, तो 1.5 इंची का बेल्ट आएगा, 35.5 इंची परफेक्ट आएगा। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इतना हमारा जो बेल्ट है वो ज़्यादा आ रहा है, बेल्ट कम है और नीचे से घेर है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसको किस तरह से कम करें ताकि हमारा बेल्ट है वो परफेक्ट आए कमर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये कलियां हैं उन पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी कलियां हैं सारी। इस तरह से हमने एक एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक 7 इंची तक। तो सारी कलियों में हम इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें जितना भी कम करना है घेरा उतने हम अंदर की ओर दबा देंगे सारी कलियों में। एक ही कली को नहीं दबाना है, सारी कलियों को थोड़ा थोड़ा अंदर दबाना है। ये देखिए, और फिर नाप के देख लेते हैं कि हमारे कमर में आ रहा है या नहीं। तो ये थोड़ा सा और बड़ा है तो हम दो कलियों में और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी सिलाई और लग के तैयार हो गई है। और इसको हम कट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा से इसको खोल सकें। और अब है ये हमारा अस्तर है, अंदर का जो लाइनिंग होता है वो, तो इसको भी हम कट नहीं करेंगे। इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे इस तरह से अंदर, क्योंकि अंदर है तो दिखेगी नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हम लगा लेंगे इसमें चारों तरफ। तो हमारा जो लहंगा है उसका घेरा है वो भी ज़्यादा रहेगा। हम इसको कट कर लेंगे तो घेर है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो लगा लेंगे सारी। ये देखिए तो ये जो प्लेट्स हैं हमारे लग के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। और अब लगाएंगे हम साइड वाली सिलाई, पहले यहाँ से पक्का कर लेते हैं नीचे से। और जो भी इसमें स्टोन है उसको उतार लेंगे और हम पूरी सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे लगेगी चिप, तो इतनी सिलाई हमें लगानी है। और जिप को उल्टा रखते हुए हमने इसको अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए लहंगा उल्टा रखा है और जिप हमने उल्टी रखनी है। और इस तरह से हम इस पर अटैच कर लेंगे, दोनों तरफ हमने अटैच कर लेनी है इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखिए तो अब इधर वाले साइड में हमने चेन को है वो सीधी रखी है और हमारा लहंगा है उसको उल्टा रखा है इस तरह से। और अब हमें इस लहंगे को सीधा कर लेना है। और अब एक सिलाई इसके ऊपर और चला लेनी है ताकि हमारी जिप है वो ऊपर दिखे ना इस तरह से। जो भी बीच में स्टोन आते हैं वो उतार लीजिए वरना आपकी सुई टूटने का डर है। इस तरह से हम इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है लहंगे को, जो लहंगे की लेंथ है उसको कम करने का। ये देखिए हमारी जिप है वो लग चुकी है
ये देखिए अभी हमें क्या करना है कि इस जिप के आगे जो भी वो होता है लोहे का बना हुआ उसको निकाल लेना है। ये देखिए इसको निकाल लेना है वरना ये मशीन के नीचे आएगी तो सुई टूटने का डर है। दोनों तरफ से हमें निकाल लेना है और बेल्ट को हमें इस तरह से लगाना है। ये देखिए उल्टा करके इस जिप के ऊपर उल्टा करके लगाना है ताकि हमारी जिप है वो ऊपर की तरफ निकले ना, वरना हमने वो निकाल लिया है लोहे वाला तो ऊपर निकलने का डर रहता है, तो हमने उल्टा करके इसके ऊपर लगा लेना है तो हमारी जिप है वो ऊपर से निकलेगी नहीं। और हमें आधा इंची का मार्जिन देते हुए बेल्ट को लगा लेना है। और यहाँ से भी हमें इसी तरह से उल्टा करके इस तरह से ये देखिए इस तरह से उल्टा करके हमें इस पर सिलाई लगाने लेनी है और फिर इसको सीधा करके इसके ऊपर भी दोनों तरफ किनारों पे सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसके लंबाई है वो नाप लेते हैं और नाप के यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। और अब बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमें यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेनी है। और आप चाहो तो यहाँ पे एक सिलाई और लगा सकते हैं और ना चाहो तो आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा लहंगा है वो बन के रेडी हो गया है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।